नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती चौहान आप सबका आरती एडुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो वर्कशीट नंबर 29 आई है और जिसकी डेट है 9 सितंबर 2020, उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर भी करेंगे। बच्चों देखिए, आज जो हम ये कविता पढ़ने वाले हैं, कैदी और कोकिला, है ना, आज ये कविता पढ़ेंगे और ये लिखी किसने है, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। तो अब पहले सबसे पहले जान लेते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कवि हैं वो क्या हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देश प्रेम की गौरव गाथा के अमर गायक, मतलब इनमें देश प्रेम भरी हुई थी और उसकी ये गाथा गाते थे, मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से सुनाते थे। इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश में, जन्म हुआ था इनका 1889 में, ठीक है, 1889 में मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे। जब ये 16 साल के थे ना, तभी ये टीचर बन गए थे, तभी शिक्षक बन गए थे। इनकी जो सारी जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो कैसी हैं, राष्ट्रीय भावना से युक्त है, मतलब कि उसमें देश प्रेम की भावना भरी हुई है, उसमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ साथ बलिदान की भावना है, मतलब वो अपनी आज़ादी के लिए जो लोगों में बलिदान की भावना थी कि अपनी आज़ादी के लिए हम कुछ भी कर जाएंगे, तो माखनलाल चतुर्वेदी के अंदर भी इस तरीके की भावना मिलती है। प्रस्तुत कविता जो कैदी और कोकिला है, उसमें अंग्रेज भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे उनके ऊपर कैसे शोषण करते थे, कैसे उनको जेल में रखते थे और कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें यातनाएं देते थे, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है इस कविता में। चलिए अब पढ़ते हैं कविता को, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, किसका संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि इसमें कोयल से पूछ रहा है, कोकिल क्या होती है, कोयल होती है, कि तुम क्या गा रही हो, और गा रही हो तो गाओ, और फिर तुम बार बार चुप क्यों हो जाती हो ये भी बताओ। कोयल मुझे ये बताओ कि ये जो तुम मैसेज दे रही हो, जो तुम बता रही हो, जो तुम गाना गा रही हो, वो किसने तुम्हें संदेश दे के भेजा है, ये संदेशा किसका है। कोकिल जरा बताओ मुझे, मुझे इस बात का बताओ कोयल कि तुम क्या गा रही हो, क्यों चुप हो जाती हो और किसका संदेश दे रही हो, ठीक है। ये तो इस लाइन, इन लाइनों का तो ये अर्थ है। अब ये जो पंक्तियां हैं इसमें आगे बोलते हैं कवि, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। अब वो बोल रहे हैं कि देखो, अब उसने जो माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कवि हैं, अपनी कविता के माध्यम से ये बताया है कि वहाँ पे जो लोग हैं जेल के अंदर, जो मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है, उनकी जो मिजरेबल कंडीशन, मतलब कि उनकी दयनीय दशा, उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कवि ने जो उनको, जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको ऊंची काली, मतलब बड़ी बड़ी जेल की अंधकार में काली जो कमरे हैं या काली जो कोठड़ियां हैं उनमें रखा है, और किसके साथ, डाकू चोरों बटमारों, मतलब जो डकैत होते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, उनके साथ रखा है, और उनको पेट भर खाना भी नहीं मिलता, कि उनको खाने के लिए कम से कम पेट भर खाना देते, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और ऐसा भी नहीं कि वो मर जाएंगे भाई भूख से, क्योंकि उन्हें थोड़ा तो खाना दे रहे हैं, बस तड़पते रहते हैं वहाँ पे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पे रात दिन इन्होंने कड़ा पहरा लगा रखा है कि हम कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब यहाँ हर बात पे उनकी नज़र रहती है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। अब वो बोल रहे हैं कि ये इनका जो ये लोग हैं, ये अपना शासन चला रहे हैं या हमें परेशान करने को यहाँ पे बैठे हैं, है ना, इनके साथ जो ये स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या इस तरीके का व्यवहार करा जाना चाहिए जो चोरों डकैतों के साथ होता है। अब वो बोल रहे हैं कि काली रात है, इस समय काली माँ जगी क्यों आली। अब वो कोयल से फिर पूछते हैं कि इतनी काली रात हो गई है, इतनी काली रात में अब तुम ये बताओ कि तुम जगी क्यों हो, इतनी जो काली रात है इसमें क्यों अभी तक जगी हो। फिर देखिए आगे क्या कहते हैं, इसमें देख लिया हमने जो मार्मिक चित्रण किया है कवि ने, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो,
क्या लूटा मृदुमल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब फिर कवि कोयल से पूछ रहे हैं कि अब तुम में इतनी वेदना क्यों है, तुम्हारी आवाज़ में इतना बोझ क्यों है, इतनी मतलब जो तुम्हारी वाणी होती है कोयल की वाणी को बहुत मधुर, बहुत स्वीट, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी समझा जाता है ना। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि उसकी जो आवाज़ है उसमें वेदना है, उसमें क्या है, उसमें पीड़ा है। तो वो बोल रहे हैं कि बताओ क्या हुआ है, क्या लूटा है, क्या अनहोनी हो गई जो तुम अब बोल रही हो इतने तीखे स्वरों में। मृदुल वैभव होता है तुम्हारा, जो रखवाली करती हो, मतलब सबको अच्छे से बोलती हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया जो तुम इतनी रात को जगी हुई हो। और क्या कहते हैं, अब वो बार बार पूछ रहा है कि इतनी मीठी सुरीली आवाज़ के लिए तुम सारे संसार में जानी जाती हो, फिर तुम आज ऐसा क्यों कर रही हो। तो ठीक है, ये थी आपकी पंक्तियों का जो आपकी व्याख्या। अब देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चन आंसर्स कौन से पूछे गए हैं हमसे, उनके आंसर करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में क्या क्या अमानवीय व्यवहार किए गए, तो इसका बच्चों हम आंसर इस तरीके से लिखेंगे। कवि ने जेल के अंदर होने वाले अत्याचार और दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उन्हें जेल के अंदर अंधकार में काली ऊंची दीवारों के बीच, ये अंधकार में कर सकते हैं आप इसको, अंधकार में, देखो अंधकार के बाद आप ये लगा देना मैं, ठीक है, अंधकार में ऊंची काली दीवारों के बीच डाकू चोर उचक्कों के साथ रहना पड़ रहा है, तथा जहां उनका मान सम्मान नहीं है, उन्हें जीने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया जाता और ना ही उन्हें मरने दिया जाता, ये लिख देंगे आप इसका आंसर। बच्चों आपको पता है मैं जल्दबाजी में वीडियोस बनाती हूँ, आपको पता है स्कूल भी जाना होता है, लेकिन आपकी हेल्प करनी भी ज़रूरी है, तो ये थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक्स मैं नहीं देख पाती जल्दबाजी के चक्कर में। चलिए आप देख लेते हैं, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा, आप बताओ क्यों करते होंगे, तो ये हमारा विचार पूछा है। तो हमें इस तरीके से लिख सकते हैं, मेरे विचार से अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि उनका आंदोलन सफल हो और हमें भारत छोड़कर वापस जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पर उनको बहुत मुनाफा हो रहा था, माल लूट लूट कर ले जा रहे थे। स्वतंत्रता सेनानियों का आंदोलन सफल होने से उनको और उनकी कंपनी को भारी नुकसान होता और स्वतंत्रता सेनानी उनकी राह का रोड़ा बने हुए थे। स्वतंत्रता सेनानियों को कमज़ोर करने के लिए वे उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे। ठीक है बच्चों, ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तीसरे क्वेश्चन में इन्होंने हमें एक लाइन दी है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है कि इस लाइन के माध्यम से क्या कह रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने एकांत जीवन के कोयल के अपने हृदय की पीड़ा और असंतोष का भाव व्यक्त किया है। कवि ने इस कविता में कैदियों के कारागार में दिए जाने वाले तरह तरह के कष्टों और दुखों की ओर भी संकेत किया है। कोयल से यह जानना चाहते हैं कि उनकी रात के अंधकार में अचानक क्यों कूक पड़ी। ठीक है, ये इसकी मेन लाइन है और ये इसके साथ देने के लिए, तभी तो हमें अच्छे नंबर मिलेंगे जब उन्हें, जो भी एग्जामिनर होगा उसे पता होगा कि इन्हें पता है इसके बारे में। ठीक है, तो कष्टों के दुखों के बारे में इतनी रात को अंधकार में उसे क्या कष्ट है, उसके कष्ट पूछने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहे हैं हमसे, कोयल की आवाज़ सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, लिखिए। तो कोयल की आवाज़ सुनकर कवि क्या कह रहे थे, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है, संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसलिए कोयल ने सुबह होने का भी वेट नहीं करा, वो रात को ही क्या कह रही है, रात को ही कूक के उसको बता रही है। तो आप इसका आंसर बच्चों ये लिख देंगे तो इसका आंसर एकदम सही होगा। और बच्चों अगर आप मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।